मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिन्यूअल ऑफ बिल इन व्हेन बिल इंडोर्स टू इंडोर्सी. सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18. इन दिस इलस्ट्रेशन क्यू बॉट गुड्स फ्रॉम पी ऑफ रुपीज 4000 ऑन 1st August 2010 एंड एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पी फॉर 2 months. यानी क्यू ने गुड्स परचेज किया पी से 4000 रुपीज का 1st August को, और पी का लिखा हुआ एक 2 month का बिल क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया सेम अमाउंट के लिए. पी ने वो बिल इंडोर्स कर दिया आर को सेम डेट को अपने डेप्ट सेटलमेंट में. जब बिल की ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया और 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए गए आर के थ्रू, जो इंडोर्सी है. पी ने अपने हैंड से आर का सेटलमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया 4000 और 40 रुपीज जो नोटिंग चार्जेस हैं. क्यू ने पी को 1500 रुपीज पे कर दिए ड्यू अमाउंट में से 2 दिन के बाद, और रिक्वेस्ट की कि रिमेनिंग अमाउंट का 50 रुपीज इंटरेस्ट लगाकर एक न्यू बिल लिख दे 2 month ड्यूरेशन का. पी इस बात के लिए एग्री हो गया और बिल का जब टाइम आया तो वो क्लियरली सेटल हो गया. पी क्यू आर के यहाँ हम कोई जनरल एंट्री पास करनी है इन गिविन केसेस में. तो आइए अब इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं इन क्वेश्चंस का. वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंजेस एंड डिसऑनर ऑफ बिल एंड रिन्यूएबल ऑफ बिल इन वेरियस सिचुएशन. टुडे वी गोइंग टू सॉल्व सम मोर इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द वेन बिल इंडोर्स टू एनी थर्ड पर्सन और बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक. सो देयर इज एन इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको वीडियो में पहले अटैच भी किया है कि क्यू ने गुड्स परचेज किया पी से और 4000 रुपीज का गुड्स परचेज किया 1st August 2010 को, और उसके अगेंस्ट में एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जिसकी ड्यूरेशन 2 month की थी सेम अमाउंट के लिए. पी ने वो बिल अपने क्रेडिटर आर को इंडोर्स कर दिया अपने डेब्ट के सेटलमेंट में. जब बिल की ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया और आर ने 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे किए. पी ने आर का पेमेंट अपने हैंड से क्लियर कर दिया. क्यू ने रिक्वेस्ट की कि 1500 रुपए पी अभी रिसीव कर ले और बचे हुए अमाउंट के लिए वो क्या करे, एक न्यू बिल लिख दे जिसमें 50 रुपीज की इंटरेस्ट इंक्लूड होगी, और ये जो न्यू बिल होगा ये 2 month के बाद का होगा. पी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, नया बिल लिख दिया और वो बिल ड्यू डेट पर सेटल हो गया. तो देखिए इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी. अगर आप देखेंगे तो एक है पी जो ड्रॉअर है, एक है क्यू जो ड्रॉई है, और एक है आर जो इंडोर्सी है, यानी जो थर्ड पर्सन है जिसको बिल रिसीव हो रहा है. सबसे पहले 1st August को हमने पी ने बुक सेल किया है किसको, क्यू को. तो इसके आगे सेल करने की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई डेबिट टू सेल, मींस क्यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और कितने अमाउंट का बुक सेल किया है, 4000 रुपीज का गुड सेल किया है. ये सेल कर रहा है तो ये परचेज करेगा, तो 1st August को ये एंट्री पास करेगा परचेज करने की. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, ड्रॉअर मींस पी, और 4000 का गुड्स इसने परचेज किया. अभी इंडोर्सी एंटर हुआ नहीं है इस पूरी प्रोसेस में. सेम डेट को पी ने क्यू के ऊपर एक बिल लिखा 2 month ड्यूरेशन का, और जो बिल ड्यूली एक्सेप्ट कर लिया क्यू ने. तो एक्सेप्टेंस की एंट्री इसके यहां पर होती है बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग मींस क्यू, 4000 रुपीज की ये इसने एक्सेप्टेंस की एंट्री पास कर दी. सेम एंट्री सेम डेट को ये भी पास करेगा, पर ये करेगा ड्रॉअर डेबिट टू बीपी, ड्रॉअर मींस पी, पी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ये भी अमाउंट आएगा 4000 रुपीज का. अब देखिए ये वाला बिल सेम डेट को इसने इंडोर्स कर दिया किसको, आर को. तो इंडोर्समेंट की मैंने आपको एंट्री लिखाई है इंडोर्सी डेबिट टू बी आर, इंडोर्सी मींस आर, तो ये एंट्री हो जाएगी आर डेबिट टू बी आर अकाउंट और 4000 रुपीज. लेकिन इस बात की एंट्री ड्रॉइंग के यहां पर नहीं की जाएगी. लेकिन अब एंटर हो गया आर, 1st August को इसे पी से बिल रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री लिखाई है मैंने आपको बी आर डेबिट टू ड्रॉअर. तो यानी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर मींस टू पी, और 4000 रुपीज ये एंट्री हम पास करेंगे.
अब जब बिल की ड्यू डेट आई, 2 months का बिल है, 1 अगस्त को लिखा गया है, तो 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 days ग्रेस पीरियड की आप ऐड करेंगे तो 4th of October बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो इसके यहां पर एंट्री क्या होगी, इसके यहां एंट्री होगी इंडोर्स ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी। ड्रॉई कौन है इसके लिए, क्यू, यानी क्यू डेबिट टू इंडोर्सी मीन्स आर, और 4040 रुपीज, इसी में हम नोटिंग चार्जेस की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब ये क्या एंट्री पास करेगा 4th of October को, इसके यहां नॉर्मल कंडीशन में जो एंट्री होती है वही होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर मींस पी, बिल्स पेबल 4000 का 40 रुपीज, नोटिंग चार्जेस टोटल पी का ड्यू अमाउंट 4040, ये भी एंट्री पास करेगा 4th of October को। इसके यहां पर एंट्री होगी, इसके यहां पर एंट्री होगी पी डेबिट टू बीआर और टू बैंक जो नोटिंग चार्जेस खर्च हुए हैं। बीआर है 4000 का 40 रुपीज नोटिंग चार्ज, टोटल पी पर ड्यू 4040 रुपीज। अब पी ने क्या किया, अपने हैंड से आर का पेमेंट कर दिया, सेम डेट को इसने आर को पेमेंट कर दिया, तो 4th of October को आर रिसीवर है तो आर डेबिट टू बैंक और 4040 रुपीज का पेमेंट कर दिया। इस बात की एंट्री इसके यहां नहीं होगी क्योंकि ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो इसके यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पी और 4040 रुपीज इसे रिसीव हो जाएंगे। अब क्यू ने पी से ये रिक्वेस्ट की कि वो 1500 रुपीज रिसीव कर रहे, तो इसको 1500 रुपीज रिसीव हो रहे हैं पर 2 दिन के बाद, यानी अक्टूबर 6 को, तो ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यू और 1500 रुपीज इसे रिसीव हो रहे हैं, 1500 रुपीज ये रिसीव करेगा, ये पे करेगा 6 अक्टूबर को, ये एंट्री करेगा ड्रॉ डेबिट टू बैंक यानी पी डेबिट टू बैंक अकाउंट और 1500 प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट भी हमको ऐड करनी है, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री हम पास करेंगे, इसकी एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट मीन्स क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट और 50 रुपीज ये इंटरेस्ट की वैल्यू की एंट्री हो जाएगी। सेम डेट को इसके यहां पर भी एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर मीन्स इंटरेस्ट डेबिट टू पी 50 रुपीज। अब आप देख सकते हैं कि 4040 में 1500 रुपीज हमको रिसीव हो गए तो 2540 बचा, प्लस 50 रुपीज की इंटरेस्ट, तो 2590 रुपीज का नया बिल लिखेंगे हम, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट टू क्यू 2590 रुपीज और सेम एंट्री क्या होगी ड्रॉ डेबिट टू बीपी, ड्रॉ मींस पी डेबिट टू बीपी अकाउंट और 2590 रुपीज। ये भी 2 month की ड्यूरेशन का था, तो 2 month कंप्लीट कब होंगे, नवंबर एंड दिसंबर, 6th of December और 9th of December मेच्योरिटी डेट हो जाएगी, तो 9th of December को ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर और 2590 इसे रिसीव हो जाएंगे। सेम यही एंट्री इसके यहां पर पास होगी, इसके यहां पर बीपी रिसीव हो रहा है तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 2590 रुपीज। तो ये तब की एंट्री है जब बिल इंडोर्स किया जाता है और इंडोर्समेंट के केस में बिल डिसऑनर हो जाता है। Now students, let's take one more illustration. In this illustration, Amit bought goods from Sumit of ₹20,000 on 1st April 2010 and he paid 8,000 in cash and gave a promissory note for the balance amount to Sumit payable after 60 days. Means Amit ne goods purchase kiya hai Sumit se 20,000 ka aur uske against mein 8,000 pay kiye hain aur bache hue 12,000 ke liye 2 month ka ek promissory note accept kiya hai. सुमित ने वो बिल इंडोर्स कर दिया क्रेडिटर कमल को 12,300 के फुल पेमेंट में, मींस 300 का डिस्काउंट हो जाएगा। जब इस बिल की ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस कमल ने अपने हैंड से पे किए। नेक्स्ट डे कमल ने इन्फॉर्म सुमित को किया कि बिल डिसऑनर हो गया है, सुमित ने कमल का पेमेंट अपने हैंड से कर दिया 12,100, मींस 12,000 रुपीज जो बिल का अमाउंट था वो प्लस 100 रुपीज जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किए।
अमित ने सुमित को 5,000 रुपीज और नोटिंग चार्जेस कैश पे कर दिया और बचे हुए अमाउंट के लिए 7,250 का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें 250 की इंटरेस्ट इंक्लूड है। इस बिल की ड्यू डेट पर बिल ड्यूली सेटल हो गया। हमें तीनों पार्टी के यहाँ एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सुमित ने अमित को गुड सेल किया है, तो अमित डेबिट टू सेल्स 20,000 की ये एंट्री हो रही है। फिर उसे 8,000 रुपीज़ रिसीव मिल हुए और बचे हुए अमाउंट के लिए हमारे यहाँ जो है बिल लिख दिया। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू अमित, कैश जो मिला है 8,000, बीआर जो 12,000 का है टू अमित 20,000। बाद में ये 12,000 का बिल उसने इंडोर्स कर दिया कमल को, लेकिन 12,300 के फुल सेटलमेंट में। इंडोर्सी डेबिट टू बीआर एंट्री होती है, इंडोर्सी मींस कमल डेबिट टू बीआर और टू डिस्काउंट, क्योंकि 12,300 के बदले में 12,000 का बिल दे रहे हैं। तो 12,300 कमल में, 12,000 बीआर में, 300 डिस्काउंट में। अब ये बिल ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया। तो देखिए, 2 मंथ का था, 1 अप्रैल को बिल लिखा, तो 1 जून ड्यू मैच्योरिटी डेट, 3 डेज बढ़ाने के बाद 4 जून ड्यू डेट। ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्सी, ड्रॉई कौन है? अमित, और इंडोर्सी कमल। अमित डेबिट टू कमल 12,000 का बिल प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस 12,100 रुपीज से ये एंट्री पास होगी। अब कमल को उसने अपने हैंड से पेमेंट कर दिया, तो कमल डेबिट टू बैंक 12,100 रुपीज उसने पे कर दिए। अब 5,000 रुपीज प्लस नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज ये उसे सुमित से रिसीव हो गए, अमित से सॉरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित 5,100 रुपीज ये अमाउंट रिसीव हो गया। बचा हुआ अमाउंट 7,000 प्लस 250 की इंटरेस्ट, तो पहले 250 की इंटरेस्ट ड्यू करनी पड़ेगी। ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट यानी अमित डेबिट टू इंटरेस्ट 250। अब नया वाला बिल बीआर अकाउंट डेबिट टू अमित 7,250। ये जो बिल था ये भी 2 मंथ का था, तो 4th ऑफ अगस्त ये इसकी मैच्योरिटी डेट है, 3 डेज बढ़ाने के बाद 7th ऑफ अगस्त ये ड्यू डेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर 7,250 रिसीव हो जाएंगे। अब अमित के यहाँ पे पहले परचेज करने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित 20,000, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट की एंट्री, सुमित डेबिट टू कैश टू बीपी 20,000 सुमित को देने थे, 8,000 पे कर दिए, 12,000 बीपी एक्सेप्ट कर लिया। अब ड्यू डेट पे बिल यानी 4th ऑफ जून को बिल डिसऑनर हो गया। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सुमित 12,000 बीपी में, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल 12,100। एंडोर्समेंट की एंट्री इसके यहाँ होती नहीं है। अब सुमित को उसने 5,100 रुपीज पे किए, तो सुमित डेबिट टू बैंक 5,100। अब 250 की इंटरेस्ट बिल में ऐड करानी है, तो इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉअर यानी टू सुमित 250 रुपीज। ये न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, सुमित डेबिट टू बीपी 7,250 और 7th ऑफ अगस्त को पेमेंट की बिल की, बीपी डेबिट टू बैंक 7,250 रुपीज। और लास्ट में कमल जो इंडोर्सी है, पहले तो उसे बिल मिला 1 अप्रैल को किससे, अमित से, सुमित से सॉरी, और 12,300 के फुल सेटलमेंट में। तो बीआर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सुमित 12,000 का बीआर, 300 डिस्काउंट, 12,300 का अकाउंट सेटल। अब बिल जो है वो डिसऑनर हो गया जून 4th को सुमित डेबिट टू बीआर टू कैश, या जो बीआर जो सुमित में 12,100 टू बीआर 12,000 और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, और ये अमाउंट उसको रिसीव हो गया। तो उसकी एक हम जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट टू सुमित, क्योंकि सुमित ने उसको अमाउंट कैश से पे कर दिया 12,100। ये लास्ट एंट्री और पास की जाएगी, जो इस वीडियो में नहीं लिखी हुई है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है जब बिल डिसऑनर होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, जिसमें बिल हमने कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर हो जाता है। तो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 21, एक्स ने एक बिल लिखा 8,000 रुपीज का 1 अप्रैल 2010 को वाई के ऊपर, 2 मंथ ड्यूरेशन का। वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया एक्स को। एक्स ने वो बिल अपने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया, और जब बिल की ड्यू डेट आई, बिल डिसऑनर हो गया, बैंक ने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए। हमें एक्स और वाई के यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एन इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द डिसऑनर ऑफ बिल एंड रिन्यूएबल ऑफ बिल व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब हम बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में, कि एक्स ने वाई के ऊपर 1 अप्रैल 2010 को एक बिल लिखा, जो अमाउंट था 8,000 रुपीज के लिए, और इसकी ड्यूरेशन 2 मंथ की थी।
वाई ने वो बिल एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर दिया, एक्स ने वो बिल अपने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जब बिल की ड्यू डेट आई, बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे किए। तो देखिए इस केस में एक्स ड्रॉअर है क्योंकि वो बिल लिख रहा है और वाई ड्रॉइंग है क्योंकि वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो 1 अप्रैल को इसने बिल लिखा है, सेल कुछ नहीं हुआ है, पहले से ही कोई ड्यू अमाउंट था उसके लिए उसने बिल लिखा है। तो एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग मीन्स वाई, और कितनी वैल्यू थी 8,000 रुपीज। ये बिल लिख रहा है तो ये बिल एक्सेप्ट करेगा, तो ये इसके यहां एक्सेप्टेंस की एंट्री इसके यहां पे होती है। ड्रॉअर डेबिट मींस एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ये भी कितने का था 8,000 रुपीज से ही एंट्री पास करेगा। बिल की ड्यूरेशन 2 मंथ्स की थी, तो मई जून 1 जून को बिल मैच्योर होगा, 1 जून को इसने बिल कलेक्शन के लिए बैंक में डिपोजिट कर दिया। तो उसकी मैंने आपको एंट्री लिखाई है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीएसएफ की मीन्स बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, और 8,000 रुपीज ये बिल है। इस बात की एंट्री ड्रॉइंग के यहां पर नहीं होगी जो आपने आपको चार्ट लिखाया है उसके बेसिस पर। अब ड्यू डेट आएगी 4 जून, 3 दिन के ग्रेस पीरियड एड करने के बाद। ग्रेस पीरियड एड करने के बाद बिल डिसऑनर हो गया, 100 रुपीज बैंक ने नोटिंग चार्जेस के पे भी किए हैं। तो जब बिल डिसऑनर होता है कलेक्शन के डिपॉजिट के केस में, एंट्री होती है ड्रॉइंग डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ड्रॉइंग मींस वाई, वाई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और जो नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं उसके लिए टू बैंक अकाउंट। बिल था 8,000 रुपीज का, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल 8,100 रुपीज की एंट्री पास होगी। 4 जून को ही ये भी एंट्री पास करेगा, तो इसके यहां पर एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, ड्रॉअर मींस एक्स, बिल की वैल्यू 8,000 रुपीज, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल वैल्यू 8,100 रुपीज। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब आगे इसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन है नहीं कि बिल रिन्यू हुआ है नहीं हुआ है, तो उस केस में हम वो एंट्रीज पास नहीं करेंगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं वेरियस सिचुएशंस का, जब बिल डिसऑनर होता है नोटिंग चार्जेस पे होते हैं। अमर ने एक बिल लिखा सोहन के ऊपर 10,000 रुपीज का, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। बिल ड्यू डेट पर डिसऑनर हो जाता है, हमें नीचे गिविन कंडीशंस में जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट है अमर जब बिल उसको अपने पास ही रखता है और डिसऑनर पे 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे करता है। अमर वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेता है 9,800 में, और जब डिसऑनर होता है तो बैंक 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करती है। अमर उसे क्रेडिटर कमल को एंडोर्स कर देता है और बिल डिसऑनर पे कमल 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करता है, और अमर उसे अपने पास रखता है कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है। बिल डिसऑनर होता है तो 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस खर्च होते हैं। तो देखिए बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री अमर के यहाँ तो सिंपल होगी, बी आर डेबिट टू ड्रॉय यानी टू सोहन, तो बी आर डेबिट टू सोहन चारों कंडीशन में यही एंट्री होगी 10,000। अब जब बिल डिसऑनर होता है और मैच्योरिटी डेट तक वो बिल अमर के पास ही था, तो एंट्री होती है ड्रॉय डेबिट टू बी आर और नोटिंग चार्जेस खर्च हुए हैं तो टू बैंक या टू कैश जो भी करें। तो सोहन डेबिट टू बी आर टू कैश 10,000 बी आर में, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, 10,100 रुपीज सोहन के कॉलम में। अब जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया था, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर एंट्री कर ली होगी आपने, लेकिन जब डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है ड्रॉय डेबिट टू बैंक, ड्रॉय मींस सोहन डेबिट टू बैंक, और 10,000 और प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस मिलाकर 10,100 रुपीज। थर्ड कंडीशन, जब बिल इंडोर्स कर दिया जाता है कमल को, तो एंट्री तो उसकी वो हो गई होगी कमल डेबिट टू बीआर। जब बिल डिसऑनर होता है एंडोर्समेंट में, तो एंट्री होती है ड्रॉय डेबिट टू इंडोर्सी, ड्रॉय कौन है सोहन कम और इंडोर्सी कमल, तो सोहन डेबिट टू कमल सेम 10,000 रुपीज का बी आर, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस यानी 10,100 रुपीज। और लास्ट है जब बिल कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, तो बिल की एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये एंट्री हो चुकी होगी। और जब डिसऑनर होता है तो
ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक. तो बिल ड्रॉई मतलब सोहन डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और टू बैंक. सोहन में आएंगे 10,100, 10,000 BR और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस. तो ये एंट्री है तब जब वेरियस सिचुएशंस में बिल डिसऑनर होता है. दूसरी ओर देखिए एक इलस्ट्रेशन जिसमें बिल दो बार इंडोर्स होता है, डिस्काउंट भी कराया जाता है और फिर डिसऑनर हो जाता है. ए ने बी को 7,000 का गुड सेल किया और उसमें से 2,000 रुपीज रिसीव कर लिए और बैलेंस अमाउंट के लिए उसने बी के ऊपर 2 मंथ का एक बिल लिखा जिसे बी ने एक्सेप्ट कर लिया. ए ने वो बिल इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सी को और सी ने भी वो इंडोर्स कर दिया डी को अपने क्रेडिटर को. डी ने भी वो बिल 4,900 रुपीज में बैंक से इन कैश करा लिया, मतलब 100 रुपीज की डिस्काउंट पर. जब बिल की मैच्योरिटी या ड्यू डेट आई बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 150 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे किए. हमें चारों पार्टी ए बी सी डी के यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है. तो स्टूडेंट्स अब इसका एक हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. वेलकम स्टूडेंट्स. Now let's take one more illustration. In this illustration, हम ये देखेंगे कि अगर बिल एक से ज्यादा बार इंडोर्स करता है ड्रॉअर इंडोर्सी करता है, इंडोर्सी भी किसी और को अगर इंडोर्स कर देता है और फिर वो अपने बैंक से बिल को इनकैश करा लेता है तो क्या एंट्रीज पास होंगी. तो मैंने आपको वीडियो में एक illustration एक्सप्लेन किया है जिसमें ए ने बी को गुड सेल किया 7,000 रुपीज का और इमीडिएटली वो बिल बी ने एक्सेप्ट कर लिया. 7,000 गुड सेल किया, सॉरी उसमें 2,000 रुपीज उसने रिसीव कर लिए और बचे हुए 5,000 के लिए उसने बी के ऊपर एक बिल लिखा जिसे बी ने एक्सेप्ट कर लिया. 2 मंथ इसकी ड्यूरेशन थी. बाद में वो बिल ए ने अपने एक क्रेडिटर सी को इंडोर्स कर दिया, ठीक है, और सी ने भी वो अपना बिल 4,900 रुपीज में डी को इंडोर्स कर दिया. उसका कोई क्रेडिटर था डी, उसको इंडोर्स कर दिया. डी ने वो बिल अपने बैंक से इन कैश करा लिया डिस्काउंट पर 4,900 पर. जब बिल की ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया और डी ने 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे किए. तो देखिए यहां पर हमारे यहां चार पार्टी इन्वॉल्व हो रही है. अगर आप देखेंगे तो चार पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है. फर्स्ट है ए जो ड्रॉअर है, बी जो ड्रॉइंग है, सी एक इंडोर्सी है फर्स्ट इंडोर्सी और डी ये सेकंड इंडोर्सी है, यानी इसको भी हमने बिल इंडोर्स किया है. तो सबसे पहले ए ने बी को गुड सेल किया जिसमें 2,000 रुपीज रिसीव हो गए और बाकी का अमाउंट ड्यू है. तो एंट्री क्या होगी, रिसीव अमाउंट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ अमाउंट बी पर ड्यू है तो बी डेबिट टू सेल्स. 2,000 रुपीज रिसीव हो गए, 5,000 रुपीज ड्यू है, 7,000 रुपीज की हमारी सेल थी. ये परचेज की एंट्री पास करेगा, क्वेश्चन में डेट गिवन है नहीं. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ ये कैश पे कर रहा है और टू ए के ऊपर ड्यू है. परचेज टोटल 7,000 की थी जिसमें 2,000 पे कर दिए, 5,000 रुपीज ए पर ड्यू है. अब ए ने 5,000 रुपीज का एक बिल लिखा, ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट कर लिया. तो एक्सेप्टेंस की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बी और 5,000 रुपीज का इसने बिल लिखा है. ये बिल इसने एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्टेंस की एंट्री करेगा ड्रॉअर डेबिट टू बी पी. ड्रॉअर मीन्स ए, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और ये 5,000. अब ये बिल ए ने सी को इंडोर्स कर दिया तो ये एंट्री पास करेगा इंडोर्सी डेबिट, यानी सी डेबिट टू बी आर और 5,000 रुपीज. अब सी की एंट्री हो रही है तो सी एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा बी आर डेबिट टू ड्रॉअर. तो यानी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर मीन्स ए और 5,000 रुपीज इसको ये रिसीव हो गए. अब सी ने ये बिल डी को दे दिया पेमेंट में तो ये इसके लिए इंडोर्सी हो गया. इंडोर्सी डेबिट टू बी आर मीन्स डी डेबिट टू बी आर अकाउंट और अमाउंट आएगा इसमें 5,000 रुपीज. अब डी एंटर हो रहा है तो डी को अमाउंट रिसीव हो रहा है तो डी एंट्री क्या पास करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर और डी के लिए ड्रॉअर कौन है सी. तो बी आर अकाउंट डेबिट टू सी
5000 रुपीज की ये एंट्री पास करेगा। अब डी ने वो बिल अपने बैंक से इनकैश करा लिया 4900 रुपीज में, तो इनकैश कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर और 5000 रुपीज का बिल था, 4900 मिले, 100 डिस्काउंट, 5000 रुपीज बीआर में। अब बिल ये डिसऑनर हो गया, तो लास्ट में देखते हैं इसके पास लास्ट बिल था, इसने बैंक से इन कैश कराया था ड्रॉई डेबिट टू बैंक, ड्रॉई इसके लिए सी है, तो ये एंट्री पास करेगा सी डेबिट टू बैंक और 5000 का बिल था और नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज खर्च हुए हैं, तो 5000 50 रुपीज से ये एंट्री पास करेगा। अब ये भी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, इसने बिल इंडोर्स किया था तो ये एंट्री करेगा ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्स सी, इसके लिए ड्रॉई ए है और इंडोर्स सी डी है, तो ये एंट्री पास करेगा ए डेबिट टू डी और ये भी 5050 रुपीज से। अब सी किसको दे रहा है, ए को पकड़ रहा है, तो ए भी एंट्री पास करेगा, इसने भी इंडोर्स किया था ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्स सी, इसके लिए ड्रॉई बी है और इंडोर्स सी सी है, तो ये एंट्री पास करेगा बी डेबिट टू सी और 5050 रुपीज से ये एंट्री पास होगी। और लास्ट में बी एंट्री पास करेगा जो एक्चुअल ड्रॉई है, उसके यहां पर नॉर्मल एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए जो ड्रॉअर है, 5000 रुपीज का बीपी था, 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल ड्यू अमाउंट 5050 रुपीज। तो ये तब की कंडीशन है जब बिल एक से ज्यादा बार इंडोर्स होता है और फिर डिसऑनर हो जाता है।